कुलभूषण जाधव पर शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की गलाकाट साजिश। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर बुजदिल एक्शन टीम का सहारा लिया है। सरहद पर बाजवा ने दी बुजदिल एक्शन टीम को बर्बरता की खुली छूट। आतंकियों के साथ एलओसी पर मिल करके भारतीय सेना के खिलाफ बर्बरता के लिए कुख्यात पाकिस्तान की बुजदिल एक्शन टीम की मौजूदगी और उसके खिलाफ भारतीय सेना के मारक प्लान के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कैसे एक पन्ने से परास्त होगा पाकिस्तान। उस एक पन्ने से पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मच गया है। दरअसल ये पन्ना एक खत है जिसे भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल ने अपने अफसरों को लिखा है। इसे आप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध वाला खत भी कह सकते हैं। कश्मीर में होगा देशद्रोही पत्थरबाजों का इलाज। लेकिन सबसे पहले देखिए बॉर्डर पर बैकबोर्ड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पाकिस्तान क्यों बैट बैट पुकार रहा है और भारत का बैट के काम तमाम का प्लान क्या है, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चल रहे आतंकियों के सर्च ऑपरेशन पर अपडेट दे देते हैं, ताजा जानकारी दे देते हैं। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल दोपहर 5 से 6 आतंकियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। घुसपैठियों को देखते ही भारतीय सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई शुरू कर दी। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, लेकिन 2 आतंकी भी मार गिराए गए। बाकी के आतंकियों के वापस भाग जाने का शक जताया जा रहा है। नौगाम सेक्टर से इस साल पहली बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। यहां पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने घुसपैठियों को देखते ही मुंहतोड़ जवाब दिया। बेहद घना और दुर्गम जंगल और पहाड़ों में छिपकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सतर्क गोरखा जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि बाकी जो आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उनकी तलाश जारी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव पर हार के बाद पाकिस्तान हताश है। कुलभूषण जाधव के मामले में मात खाने के बाद पाकिस्तान की पहली हरकत तो बॉर्डर पर शुरू हो गई है, जहां उसने बैट यानी कि अपनी बुजदिल एक्शन टीम को हमारे जवानों से बर्बरता करने की खुली छूट दे दी है। लेकिन हमारे जवान भी तैनात हैं और तैयार हैं। कुलभूषण जाधव पर मिली हार के बाद पाकिस्तान की 2 शर्मनाक हरकतों का सबूत। पाकिस्तान ने एक तरफ जहां सरहद पर बॉर्डर एक्शन टीम की तैनाती को बढ़ा दिया है, वहीं कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की बुजदिल एक्शन टीम की नई साजिश और बुजदिल एक्शन टीम को एलओसी पर बोल्ड करने के प्लान के बारे में जानने से पहले सरताज अजीज को सुनिए। जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसिल एसएस पे कोई डिसीजन नहीं है। ये कमेंट है उनका या राय है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन हमारी क्योंकि जो ICJ की सबसे बुनियादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रटेशन पे 2 ममालिक के दरमियान अख्तिलाफ हो तो उसकी वो राय दे सकते हैं। तो इसलिए उनका एक बुनियादी फर्ज है, उसने कहा कि वो जो बायलेटरल एग्रीमेंट आपका है वो हमें इसको एग्जामिन करने से नहीं रोक सकता।
ये सरताज अजीज हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार। पाकिस्तान सरकार की ओर से सरताज ने बताया कि उनका मुल्क कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं देगा, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। ICJ ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के सारे आरोपों और सबूतों को खारिज कर दिया, जबकि अब भी अपनी जिद पर अड़ा पाकिस्तान कह रहा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। इसका बयान जो है बड़ा अजीबोगरीब बयान है फ्रॉम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन। इससे दो शक उठते हैं, एक तो शायद कुलभूषण को उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया है और वो बेनकाब नहीं होना चाहते दुनिया के सामने, दूसरा उसको इतना जबरदस्त टॉर्चर किया है कि वो एक किस्म का वेजिटेबल हो गया है जिसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कुलभूषण जाधव पर हार के बाद पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में नवाज सरकार की किरकिरी हो रही है। सत्ता जाने के डर से नवाज शरीफ झूठ का साथ नहीं छोड़ना चाहते। अब पाकिस्तान की दूसरी हरकत देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट में करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान ने LOC पर बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के जवानों की तादाद बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल बाजवा ने बैट को बर्बरता की खुली छूट दी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि बैट LOC पर खासकर हाजी पीर एरिया के नजदीक जवानों को निशाना बनाने की फिराक में है। इनका मकसद गश्त करने वाले भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला करना है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की बुजदिल एक्शन टीम को बॉर्डर पर बोल्ड करने का प्लान तैयार है। सेना बॉर्डर पर पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है कि इस बार उसकी कोई नापाक साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि इन दिनों पाकिस्तान में भारतीय एयरफोर्स के एक खत से हड़कंप मच गया है। एयरफोर्स के जवानों को युद्ध वाला खत। एक पन्ने से परास्त होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से वॉर, वायुसेना तैयार। कश्मीर से लेकर कुलभूषण जाधव मामले तक लगातार मात खा रहा पाकिस्तान ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। सरहद पर सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी इसका बड़ा सबूत है। यह सब दो चार दिनों से नहीं, महीनों से जारी है। सीमा पर पाकिस्तान की बर्बर साजिश को देखते हुए आज से करीब 50 दिन पहले देश के वायुसेना प्रमुख VS धनोआ ने अपने अफसरों को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। हालांकि इस बात की जानकारी मीडिया में अब आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स पिछले 50 दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। यह तैयारी इंडियन एयरफोर्स के चीफ धनोआ के खत लिखने के बाद से शुरू हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने वायुसेना के 12,000 अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में BS धनोआ का साइन 30 मार्च का है। चिट्ठी में जवानों से कहा गया कि मौजूदा हालात में हमारे चारों तरफ खतरा मौजूद है, ऐसे में हमें एक शॉर्ट नोटिस पर भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। हालात बहुत बढ़िया नहीं है भारत के बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान से आप देख रहे हैं, अभी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं और हम उनको माकूल जवाब भी देते, लेकिन हो सकता है कि एक तरह से अगर कोई युद्ध छिड़ जाए तो उसमें लड़ाई तो भारत को, भारतीय वायुसेना और भारतीय मिलिट्री को ही लड़नी पड़ेगी। वायुसेना प्रमुख ने चिट्ठी में पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। चिट्ठी में वायुसेना प्रमुख ने यह भी लिखा है कि सेना के कैंपों पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल है, हमें तैयार रहना होगा, किसी को भी कभी भी बुलाया जा सकता है।
हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने तस्वीरें जारी कर यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता से लैस शाहीन 3 मिसाइल को अमृतसर से 320 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक पीरथान में 2 टनल में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों को छिपाकर रखा है। हालांकि पाकिस्तान की शाहीन को आसमान में जलाकर राख करने के लिए हमारे पास अग्नि मिसाइल है। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान का शाहीन 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, जबकि शाहीन 3 की रेंज सिर्फ 2700 किलोमीटर है। इसके अलावा आसमान में पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए हमारे पास तेजस भी मौजूद है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।